ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जी हां, साफ छवि वालों को ही आप पार्टी करेगी शामिल की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सच्चाई उस वक्त उजागर हो गई जब प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने रोटी बैंक संस्थापक को अपनी आप पार्टी में शामिल किया। ये वही कलेर हैं जो अक्सर प्रेस वार्ता में ये कहते दिखाई दिए हैं कि उनकी पहाड़ चढ़ने की होड़ में तेजी से अपने पांव फैला रही आप में उन्हीं को तवज्जो दी जाएगी जिसकी छवि साफ सुथरी होगी और जो व्यक्ति कभी ना तो किसी विवादों में हो और ना ही किसी आरोपों में शामिल हो। परंतु प्रदेश अध्यक्ष कलेर की इन बातों के ना तो कोई मायने हैं और ना ही कोई महत्व, और प्रदेश अध्यक्ष अपनी तेजी से बढ़ते कुनबे को लेकर इस कदर उत्साहित नजर आ रहे हैं कि अब वह अपनी पार्टी में किसी को शामिल करने से पहले उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि खंगालने की कोशिश करते हैं और ना ही पहचान। कलेर की इस जल्दबाजी में लिए गए फैसले से यही लगता है कि आम आदमी पार्टी की मंशा यहाँ के सीधे साधे लोगों को सिर्फ टोपी पहनाने की है। तभी तो आपकी कमान संभालने वाले अध्यक्ष ने युवा नेता हिमांशु पुंडीर को अपनी आप पार्टी में शामिल कर खुद की पीठ थपथपाते नजर आए और कलेर इस कदर उत्साहित नजर आ रहे थे कि मानो उन्होंने प्रचंड बहुमत वाली संगठन के पिलर को अपने कुनबे में शामिल कर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हो। लेकिन कलेर ये भूल गए कि जिस पुंडीर को एक युवा शख्सियत समझ रहे हैं, दरअसल हिमांशु पुंडीर की विवादों और आरोपों की लंबी लिस्ट भी है। मसलन साफ है कि आप पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि पार्टी में अब सभी तरह के लोगों की जरूरत है, क्योंकि पार्टी का अपना कुनबा बढ़ाना ही पार्टी का लक्ष्य भी है और उद्देश्य भी। तभी तो आपके इस दोहरे चरित्र से ये फिट बैठता है कि कलेर दिखे दिलेर, विवादों में रहे युवा को शामिल करने में नहीं लगाई देर। आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मैं इनका दिल से स्वागत करता हूँ। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का दिल्ली में लोगों ने काम देखा है और अरविंद जी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, और उत्तराखंड में इस तरीके का माहौल अपने आप बनता आ रहा कि आम आदमी पार्टी को आम आदमी को हर आदमी चाहने लगा और भाजपा और कांग्रेस का से लोगों का 20 सालों में मोह भंग हो चुका है और उनके काम को देख चुके हैं। वो बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। अरविंद जी बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, ये लोग मान चुके हैं। मैंने 2 साल पहले बीजेपी छोड़ दी थी, 2 साल से मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं अपना खुद का अपनी एनजीओ चलाता हूँ। ये सारे भाई लोग हैं जो मेरे से जुड़े हैं, जो हम सभी सपोर्ट करते हैं, और मैं सब भाई लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ कि आम आदमी पार्टी का साथ पकड़ के हम बहुत जल्दी ये जो रोजगार की समस्या है इसको खत्म करेंगे और सिर्फ विकास पर ही काम करेंगे। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून, एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021। कोर्स अवेलेबल बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एग्रीकल्चर, पीसीएम और सीबीजेट, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, बीबीए बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, बीए, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, पीजी डिप्लोमा एंड एमए इन इंग्लिश, बीएड। डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।